हे hey दोस्तों कैसे हैं आप सब तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज ईडीएम एंड फ्रेजेस का वीडियो नंबर सिक्स आपके सामने हाजिर है इससे पहले हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर पांच वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्ले में जाकर देख लीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिल जाएगा सो so, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन सो so, आज का हमारा फर्स्ट ई है फूल्स पैराडाइज फूल्स पैराडाइज मतलब मूर्खों का स्वर्ग ये कैसा स्वर्ग है इसका एक्चुअल मीनिंग होता है काल्पनिक स्वर्ग मतलब कि मूर्ख जैसे कल्पना में ही डूबे रहते हैं हमेशा कुछ ना कुछ काल्पनिक सोचते रहते हैं जो सच नहीं होने वाला है उसे ही कहते हैं फूल्स पैराडाइज इसे हम एक और इडियम के थ्रू पढ़ चुके हैं और वो इडियम था हमारा कैसल इन द एयर मतलब कि हवाई किला बनाना और इसे हम एक और तरीके से भी जानते हैं ख्याली पुलाव पकाना तो ये सारा चीज सेम ही है फूल्स पैराडाइज मतलब काल्पनिक स्वर्ग जो सच नहीं होने वाला है ऐसा कुछ सोच लेना मीन्स टू बिलीव रॉन्गली एंड स्टूपिडली देट योर सिचुएशन इज गुड मतलब कि स्टूपिड्स की तरह ऐसा बिलीव कर लेना कि मेरा सिचुएशन गुड है अच्छा है जबकि ऐसा है नहीं तो इसके सेन्टेंसेज हो सकते हैं ही सीम्स टू बी लिविंग इन अ फुल्स पैराडाइज ऐसा लगता है जैसे कि वो फूल्स पैराडाइज में रह रहा है मतलब काल्पनिक स्वर्ग में रहता है शी इज़ लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज हु ऑलवेज ड्रीम्स अबाउट अ ह्यूज फॉर्चून ओवर नाइट मतलब कि वह एक काल्पनिक स्वर्ग में रह रही है जो कि हमेशा ये ड्रीम देखती रहती है कि मुझे एक ह्यूज फॉर्चून मिल जाएगा रातों रात ओवर नाइट फॉर्चून का मतलब यहाँ धन से है सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है काल्पनिक स्वर्ग यानी कि हवाई किला बनाना सो so, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की तरफ दैट इज गेट द बेटर ऑफ मतलब कि किसी चीज के बेटर को पाना नो no, एक्चुअली इसका मीनिंग होता है किसी को हराना इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जिसके साथ आप खेलोगे उसका बेटर क्वालिटी क्या है तो यहाँ पर बेस्ट नहीं बेटर बोलेंगे क्योंकि हमें एडियम याद करना है बेटर सो so, उसका बेटर क्वालिटी अगर आप जान लोगे तो आप वही बेटर क्वालिटीज़ अपने में लाने की कोशिश करोगे और तब उसका बेटर आपके अंदर हो जाएगा और आप उसको हरा दोगे इसका मीनिंग होता है टू डिफ़ीट समवन बाय सुपीरियर स्ट्रेंथ जैसे कि यू ऑलवेज़ गेट द better ऑफ मी एट चेस मतलब कि हमेशा तुम मुझे चेस में हरा देती हो If you work hard, you will get the better of your classmates. अगर तुम वर्क hard करते हो तो तुम अपने क्लासमेट्स को हरा सकते हो So, get the better of का मीनिंग हो गया हराना किसी को हराना बढ़ते हैं idiom number एम नंबर थर्ड की तरफ For good and all. For good and all का मीनिंग होता है सदा के लिए मतलब कि always, for always. Examples? ट्राई टू गिव अपर बैड हैबिट्स फॉर गुड एंड ऑल तुम अपने बैड हैबिट्स को गिव अप करने की कोशिश करो सदा के लिए फॉर ऑलवेज शी लेफ्ट हर फैमिली फॉर गुड एंड ऑल उसने अपने घर को छोड़ दिया फॉर गुड एंड ऑल फॉर ऑलवेज हमेशा के लिए सो फॉर गुड एंड ऑल मतलब सदा के लिए इडियम नंबर फोर डबल माइंडेड किसी के माइंड में डबल थिंकिंग चलता है तो उसको हिंदी में कहते हैं अस्थिर बुद्धि वाला मतलब कि एक डिसीजन पर टिक नहीं पाता है टू बी अनेबल टू डिसाइड अबाउट समथिंग मतलब कुछ डिसाइड करने में सक्षम नहीं है एग्जाम्पल्स अ डबल माइंडेड मैन कांट अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ एक डबल माइंडेड पर्सन मतलब कि जो किसी एक चीज़ में स्टिक कर ही नहीं पाता है उसका माइंड हमेशा इधर उधर दौड़ता रहता है क्या वो कुछ भी अचीव कर पाएगा अपने लाइफ में नहीं आई हेट अ डबल माइंडेड पर्सन ये तो सिंपल है मैं एक डबल माइंडेड पर्सन को हेट करती हूँ मतलब कि अस्थिर बुद्धि वाले इंसान को सो डबल माइंडेड मीन्स क्लियर टू यू अस्थिर बुद्धि वाला ईडीएम नंबर फाइव फ्रेंच लीव तो पहले जान लेते हैं इसको फ्रेंच लीव क्यों कहा जाता है तो एक्चुअली क्या हुआ था मिड एटीन सेंचुरी में फ्रांस के लोग क्या करने लगे कि कहीं अगर अटेंड करते थे पार्टी वार्टी में तो वहाँ के होस्ट को बिना बताए या बिना थैंक्स दिए ही वहाँ से निकल जाते थे तो इसी को बाद में कहा गया फ्रेंच लीव और इसका हिंदी में मीनिंग भी वही है बिना सूचना के अनुपस्थित होना एबजेंस फ्रॉम वर्क और ड्यूटी विदाउट परमिशन तो इस idiom का मीनिंग बनता है ड्यूटी से या किसी वर्क से बिना परमिशन के ही absent हो जाना Example sentences देखते हैं स्विंग तुमने एक फ्रेंच लीव ले लिया जब पार्टी फुल स्विंग में था जोश खरोश से चल रहा था आई माइट टेक अ फ्रेंच लीव टू नाइट एंड गो टू सिनेमा आज रात को मैं फ्रेंच लीव ले सकती हूँ और जा सकती हूँ सिनेमा away इसका मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग होता है बहुत अधिक इसका मीनिंग बहुत दूर नहीं होता है बहुत अधिक होता है फार एंड अवे बाय अ ग्रेट अमाउंट शी इज़ फार एंड अवे द बेस्ट एक्ट्रेस टिल नाउ मतलब कि वो अब तक की बहुत ज़्यादा बेस्ट से भी बेस्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा बेस्ट एक्ट्रेस है दिस इज़ फार एंड अवे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा सो फार एंड अवे का मीनिंग होता है बहुत अधिक बाय अ ग्रेट अमाउंट एडियम नंबर सेवन गुड सेमेरिटन गुड सेमेरेटन का मीनिंग होता है दयालु व्यक्ति इसको आप रिलेट कर सकते हैं गुड पर्सन से तो गुड पर्सन किसको कहते हैं जो दयालु होता है दूसरों के ऊपर बहुत दया करता है तो इसको कहते हैं दयालु व्यक्ति गुड सेमेरिटन मीन्स दयालु व्यक्ति अ पर्सन हु हेल्प्स अदर पीपल दूसरों की हेल्प करने वाला एग्जाम्पल्स अ गुड Samaritan ऑफर्ड अस टू टेक शेल्टर इन हिज हाउस दैट नाइट मतलब कि उस रात को एक गुड समरिटन ने एक दयालु व्यक्ति ने उसके घर में हमें शेल्टर लेने के लिए ऑफर किया द गुड रिटन रेस्क्यूड द गर्ल फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द किडनेपर्स मतलब कि एक गर्ल को किडनेपर्स ने पकड़ लिया था और एक दयालु व्यक्ति ने उसको रेस्क्यू किया उन, उन किडनेपर्स के हाथों से सो गुड सैमारिटन मीन्स गुड पर्सन मीन्स दयालु व्यक्ति एरियम नंबर एट कोल्ड ब्लडेड मतलब कि जिसका ब्लड ठंडा हो इसका मीनिंग क्या हो सकता है इसका मीनिंग होता है निर्दयतापूर्ण आप इसको ऐसे बोलते भी होंगे कि तुम्हारे शरीर में ब्लड है कि नहीं तुम इतने निर्दय कैसे हो सकते हो तो इसी से याद कीजिए कोल्ड ब्लडेड इन अ क्रूल एंड काम वे जो क्रूल भी हो और क्रोल्टी भरे काम बहुत ईजीली कर भी देता हो जैसे कि इफ समन किल्स एनी वन देन ही इज एक्सट्रीमली कोल्ड ब्लडेड ऑब्वियसली जो किसी को किल करता है मार देता है जान से वो कैसा होना चाहिए कोल्ड ब्लडेड होना चाहिए तभी किसी को किल कर पाएगा दे मर्डर द बेबी इन कोल्ड ब्लड एक बेबी का हत्या करना ये भी तो कोल्ड ब्लड से ही पॉसिबल है तो उन्होंने कोल्ड ब्लड से निर्दयता पूर्वक बेबी की हत्या कर दी बेबी को मार डाला सो कोल्ड ब्लडेड मीन्स निर्दयता पूर्ण नेक्स्ट idiom, idiom नंबर नाइन फॉल फ्लैट ऑन ये ज़्यादा जोक्स के लिए यूज़ किया जाता है कि जब आप कोई जोक मारे लेकिन इससे किसी को हंसी नहीं आई तो ये क्या हो गया फॉल फ्लैट हो गया इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रभाव ना डालना किसी को हंसी नहीं आई मतलब किसी के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ टू फेल और बी इन अफेक्टिव एग्जाम्पल फेल फ्लैट जैसे कि हमने कहा यह जोक्स के लिए यूज़ किया जाता है तो उसी के बारे में सेंटेंस है उसके जोक्स में से कुछ जोक्स ऐसे थे जो फेल फ्लैट हो गए मतलब कि किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसके जोक्स से विदाउट हिम द होल इवनिंग वुड बी फॉल एंड फ्लैट मतलब कि उसके बिना पूरा इवनिंग फॉल एंड फ्लैट हो जाएगा क्यों क्योंकि वही ज़्यादा जोक करता है उसके बिना सब एकदम शांत सा रह जाएगा सो फॉल फ्लैट ऑन का मीनिंग क्या हो गया इसका मीनिंग हो गया प्रभाव ना डालना ईडीएम नंबर टेन गेट वर्ड वर्ड पाना नो no, इसका मीनिंग होता है संदेश मिलना ऐसे ही याद कीजिए अगर कोई लेटर लिख के आपके पास भेजा है तो उसमें वर्ड्स लिखे होते हैं और उससे आपको क्या मिलता है मैसेज ही मिलता है संदेश मिलता है टू रिसीव अ मैसेज गेट वर्ड यस्टरडे आई गॉट द वर्ड अबाउट माई सिलेक्शन कल मुझे मेरे सिलेक्शन के बारे में एक मैसेज मिला यू माइट गेट वर्ड दैट योर स्कूल इज़ क्लोज फॉर टू डेज तुम्हें यह मैसेज मिल सकता है कि तुम्हारा स्कूल टू डेज के लिए क्लोज है सो गेट वर्ड मीन्स टू गेट मैसेज इडियम नंबर इलेवन हार्ड एंड फास्ट हार्ड भी हो और फास्ट भी ये कैसा एडियम है इसका मीनिंग होता है कठोर और निश्चित डेफिनेट और नॉट टू बी चेंजड और अवॉइडेड मतलब कि जिसको चेंज नहीं किया जा सकता जो डेफिनेट हो हार्ड एंड फास्ट आई हैव नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑन दिस मैटर इस मैटर में मेरा कोई कठोर या निश्चित रूल नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आवर फैक्ट्री हैज़ अ हार्ड एंड फ़ास्ट रूल अगेंस्ट स्मोकिंग हमारे फैक्ट्री का एक कठोर एक निश्चित रूल है स्मोकिंग के अगेंस्ट कि यहाँ पर कोई स्मोक नहीं कर सकता सो हार्ड एंड फास्ट मीन्स कठोर और निश्चित डेफिनेट ईडीएम नंबर ट्वेल्व गो टू रैक एंड रिन रिन का मतलब तो होता है बर्बाद हो जाना और इस ईडीएम का मीनिंग भी होता है विनाश हो जाना विनाश मतलब बर्बाद ही टू बिकम डिस्ट्रॉयड और रेंड द ओल्ड हाउस हैज गॉन रैक एंड रेन मतलब कि ओल्ड जो हाउस था पुराना घर वो रैक एंड रेन हो गया विनाश हो गया उसका फार्मिंग वेंट रैक एंड रिन दिस ईयर मतलब कि इस साल का फार्मिंग मतलब फसल क्या हो गया डिस्ट्रॉयड हो गया रैक एंड रेन हो गया सो गो टू रैक एंड रेन का मतलब हो गया विनाश होना बिड फेयरवेल टू फेयरवेल का मीनिंग शायद आपको पता हो सकता है इसका मीनिंग होता है विदाई देना और इस एडियम का मीनिंग भी वही है बिड फेयरवेल टू मतलब कि विदाई देना टू से गुड बाई इधर फॉर एवर और फॉर अ लॉन्ग टाइम किसी को आप गुड बाई कह रहे हो चाहे वो हमेशा के लिए हो या फिर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हो आई हैव कम टू बिड फेयरवेल टू माई रिलेटिव्स मैं यहाँ अपने रिलेटिव को फेयरवेल देने के लिए आई हूँ ही वॉज फीलिंग सॉरी टू बिड फेयरवेल टू हिज ब्रदर वो अपने भाई को फेयरवेल देने में मतलब विदाई देने में सॉरी फील कर रहा था सो बिड फेयरवेल टू का मीनिंग क्या हो गया मतलब हो गया विदाई देना ईडियम नंबर फोर्टीन गो अ लॉन्ग वे मतलब कि लंबा रास्ता तय करना नो no, इसका मीनिंग होता है बहुत कुछ करना इसे आप ऐसे ही याद कीजिए कि आप जैसे बोलते हैं मैं यहाँ से बहुत दूर जाऊँगा या जाऊँगी तो आप उससे क्या मीन करते हैं कि मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगी टू अचीव कंसिडरेबल सक्सेस सेंटेंसेस हैं ऑल पेरेंट्स होप दैट देअर चाइल्ड विल गो अ लॉन्ग वे इन हिज और हर लाइफ सारे पेरेंट्स क्या होप करते हैं कि उनका चाइल्ड अपने लाइफ में ज़रूर बहुत कुछ करके दिखाएगा गो अ लॉन्ग वे When I first met her, I got to know that she will go a long way. जब मैं फर्स्ट टाइम उससे मिली तो मुझे क्या पता चला कि वो बहुत दूर जाने वाली है मतलब बहुत कुछ करने वाली है सो so, go a long way means to achieve considerable success, बहुत कुछ कर दिखाना Idiom number फिफ्टीन cut and dried. मान लीजिए कोई फ्रूट वो कट भी किया हुआ है और ड्राइड भी मतलब वो फुल्ली रेडी है सो so, इसका मीनिंग भी ऐसा ही होता है बिल्कुल तैयार कंप्लीटली सेटल्ड एग्जाम्पल विद इन टू डेज आई वॉन्ट अ कट एंड ड्राइड डिसीजन मतलब कि दो दिन के अंदर अंदर मुझे एक कट एंड ड्राइड एक फुल्ली तैयार एक डिसीजन चाहिए फ्यू ऑफ आवर कोर्सेज आर नॉट कट एंड ड्राइड हमारे कोर्सेज में से कुछ कोर्स ऐसे हैं जो कट एंड ड्राइड नहीं है कम्प्लीटेड नहीं है सो कट एंड ड्राइड मतलब पूरा पूरी तैयार होना कम्प्लीटली सेटल्ड होना ईडियम नंबर सिक्सटीन इज सम आउट किसी को आउट कर देना और बहुत ईजीली एक्चुअली इसका मीनिंग भी वही होता है शिष्टता पूर्वक बाहर निकाल देना किसी को आराम से बाहर निकाल देना क्वाइटली मेक समवन लीव जॉब और पोजिशन किसी को अपना पोजिशन या जॉब छोड़ने के लिए मजबूर करना लेकिन वो बहुत क्वाइटली सेंटेंसेस हैं द लेबरर वॉज ईज्ड आउट फ्रॉम द फैक्ट्री लेबरर को फैक्ट्री से ईज आउट कर दिया गया मतलब कि आराम से निकाल दिया गया ही केयरफुली ईज्ड द कार आउट ऑफ द गैरेज उसने गैरेज में से कार को बहुत इजीली बाहर निकाला सो इज समवन वन आउट मीन्स शिष्टतापूर्वक बाहर निकालना क्वाइटली बहुत इजीली। Idiom नंबर सेवेंटीन गेट इन टू सूप मतलब कि सूप के अंदर होना इसका मतलब होता है झंझट में पड़ना टू बी इन एन अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन सेंटेंस द बर्गलर केम इन टू सुप वेन द पुलिस केम बिफोर हिम जब पुलिस बर्गलर के सामने आ गई तो बर्गलर क्या हो गया झंझट में पड़ गया परेशानी में पड़ गया ही गॉट इन टू अ सूप वेन हिज टीचर गॉट हिम यूजिंग द सेल फोन इन द क्लास जब उसके टीचर ने उसको सेलफोन यूज़ करते हुए क्लास में पकड़ लिया तो वो झंझट में पड़ गया डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ गया सो गेट इन टू सूप मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ जाना Idiom नंबर एटीन फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब कि वाटर में हलचल है और इसी बीच आप गए हैं फिशिंग करने तो इससे क्या होगा फिशेज को तो प्रॉब्लम होगा बट आप उसी प्रॉब्लम से लाभ उठाओगे क्योंकि फिश इधर उधर भागेंगे और आप उसी बीच उनको पकड़ लोगे आसानी से सो so, इसी को कहा जाता है फिश इन ट्रबल्ड वाटर तो हिंदी में इसका मीनिंग होगा दलबली से लाभ उठाना टू ट्राई टू टेक एन एडवांटेज फ्रॉम सम वन प्रॉब्लम कोई दूसरा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और आप उसी का एडवांटेज उठा रहे हो जैसे कि दे वर क्लियरली सीकिंग टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर वे लोग एकदम क्लियरली सीक कर रहे थे ढूंढ रहे थे कि कैसे हम दलबली से लाभ उठाएं? उठाए टू मेक बैड ब्लड इन हो सकता है दोनों के बीच bad blood बना दे। अब bad blood भी एक idiom है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसका मीनिंग होता है शत्रुता तो मैनेजर क्या चाहता था कि किन्हीं दोनों के बीच शत्रुता करा के और उनसे वो फायदा उठाएगा सो द इडियम क्लियर टू यू फिश इन ट्रबल्ड वाटर मीन दलबली से लाभ उठाना दूसरे की परेशानी से लाभ उठाना idiom नंबर नाइनटीन बाय फार ये तो समझ में आ रहा है कि बहुत दूर लेकिन नहीं इसका मीनिंग होता है बहुत जैसे कि आप ये बात हमेशा सुनते ही होंगे कि बाय फार द बेस्ट कोई अपने किसी चीज़ को प्रचार करने के लिए ऐसा लिखता है ये बोलता है बाय फार द बेस्ट इसका एक्चुअल मीनिंग होता है टू द ग्रेटेस्ट डिग्री बहुत ज़्यादा बहुत अधिक बाय फार द बेस्ट एक्चुअली वही बाय फार द बेस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा बेस्ट बेस्ट से भी बेस्ट योर प्रोजेक्ट वॉज बेटर बाय फार तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत बेटर था बहुत ज़्यादा बेटर सो बाय फार मीन्स बहुत टू अ ग्रेटेस्ट डिग्री एंड आवर लास्ट ईडियम ईडियम नंबर ट्वेंटी गेट ऑन विद गेट ऑन विद का मीनिंग होता है काम चालू करना या रखना ये आसान है याद करना गेट ऑन विद मतलब अपना काम चालू रखो टू स्टार्ट और कंटिन्यू डूइंग समथिंग इसके स्टॉप पासिंग योर टाइम एंड गेट ऑन विद योर वर्क अपना टाइम पास करना बंद करो और अपना काम करो काम को चालू रखो आई फिनिश्ड माई कप ऑफ टी एंड गॉट ऑन विद स्टडिंग मैंने अपना कप ऑफ टी खत्म किया और अपना स्टडिंग चालू कर दिया सो गेट ऑन विद का मीनिंग होता है टू स्टार्ट और कंटिन्यू डूइंग समथिंग सो चलिए अब ये खत्म तो हो ही गए हैं अब इसका क्विक रिविजन करेंगे सो फूल्स पैराडाइज का मीनिंग क्या होता है मूर्खों का पैराडाइस मतलब काल्पनिक स्वर्ग ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाना गेट द बेटर ऑफ मतलब कि किसी के बेटर को पाना मतलब उसको हराना फॉर गुड एंड ऑल डबल माइंडेड मतलब जिसके माइंड में डबल थिंकिंग चलता रहता है वो स्टिक नहीं कर पाता एक डिसीजन के ऊपर तो उसको कहते हैं डबल माइंडेड मतलब अस्थिर बुद्धि वाला ईडीएम नंबर फाइव में है रूम सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया है फाइव नंबर एडियम था हमारा फ्रेंच लीव मतलब कि बिना सूचना के कहीं से लीव कर जाना सिक्स है फार एंड अवे इसका मीनिंग होता है बहुत अधिक गुड समरिटन मीन्स गुड पर्सन मतलब दयालु व्यक्ति कोल्ड ब्लडन मीन्स जिसका ब्लड ठंडा हो मतलब निर्दय हो फॉल फ्लैट ऑन मतलब कि फ्लैट गिर गया किसी का जोक मतलब वो किसी के ऊपर प्रभाव ना डाल सका तो फॉल फ्लैट ऑन का मीनिंग हो गया जो प्रभाव ना डाल सके गेट वर्ड मतलब कि गेट मैसेज संदेश पाना हार्ड एंड फास्ट मतलब हार्ड भी हो और फास्ट भी हो मतलब कि डेफिनेट गो टू रैक एंड रिन मतलब कि बर्बाद हो जाना बिड फेयरवेल टू मतलब फेयरवेल देना विदाई देना गो अ लॉन्ग वे मतलब बहुत कुछ कर दिखाना कट एंड ड्राइड मतलब फुल्ली रेडी मतलब पूर्ण तैयार इज समन आउट किसी को किसी को ईजिली बाहर निकाल देना गेट इन टू अ सूप सूप के अंदर पड़ जाना मतलब ट्रबल के अंदर फंस जाना झंझट में पड़ जाना फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब कि किसी दूसरे की परेशानी से लाभ उठाना बाय फार मतलब कि बहुत अधिक गेट ऑन विद मतलब कि किसी काम को शुरू करना या अगर पहले से ही शुरू है तो उसको चालू रखना सो आई थिंक आपको सारे वर्ड्स याद हो चुके होंगे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो ये ईडियम्स का सीरीज हमारा बहुत लंबा जाने वाला है सो so प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईडियम्स कवर कर पाए और बहुत ही ईजिली फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स के अंदर याद कर पाए सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो थैंक यू